नोटबंदी के एक महीना पूरे होने पर विपक्षी पार्टियों का आज ब्लैक डे, संसद में गांधी की मूर्ति के सामने जताएगा विरोध। 14 पार्टियों की मीटिंग में ब्लैक डे मनाने का लिया गया फैसला, नोटबंदी पर बहस के साथ वोटिंग की मांग। नोटबंदी पर संसद में पीएम के बयान की मांग पर विपक्ष बरकरार, आज तक से बातचीत में रेणुका चौधरी ने कहा संसद की कार्रवाई ठीक से चलाने के लिए पीएम को देना चाहिए बयान। नोटबंदी को लेकर आज दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से हो चुकी है मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम, एजेंडा आज तक में बोले नोटबंदी में हुआ 8 लाख करोड़ का घोटाला। यूपी के शामली में बैंक के बाहर लोगों का हंगामा, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। नोटबंदी के तीसरे दिन भी वाराणसी के लोगों को राहत नहीं, ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं होने से लोग परेशान। नोटबंदी का दिल्ली के पर्यटन पर पड़ा बड़ा असर, पर्यटकों की संख्या में 50% तक गिरावट। दिल्ली मेट्रो पर भी नोटबंदी का पड़ा असर, मेट्रो फेज 3 के विस्तार में कैश की कमी से होगी देरी। दिल्ली में पार्किंग चार्ज वसूली में 30 से 40% की गिरावट, नोटबंदी की वजह से लोगों ने पार्किंग की जगह पर नहीं लगाई गाड़ियां। जनधन खाते में जमा होने वाले पैसों में आई कमी, सरकार के आगाह के बाद बड़ी जागरूकता। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में नियम से ज्यादा पुराने नोट के बदले नए नोट देने के मामले में केस दर्ज, सीबीआई एसीबी ने जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 बैंकों के 50 ब्रांच में की जांच, नोटबंदी के बाद ऑडिटर के साथ मिलकर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए 250 करोड़ के नए नोटों की डिमांड, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने वित्त मंत्री से की मांग। देश का पहला कैशलेस राजभवन बना हिमाचल का राजभवन, सभी ट्रांजैक्शन कैशलेस का दावा। कुलभूषण जाधव को रॉ का जासूस बताने पर पाकिस्तान में अंदरूनी घमासान, नवाज शरीफ के सलाहकार सत्ताज अजीज बोले कुलभूषण के खिलाफ सबूत नहीं। सत्ताज अजीज के बयान पर पाक विदेश मंत्रालय ने बताया गलत, पाक एजेंसी का दावा, ईरान से पाकिस्तान में दाखिल कुलभूषण को बलूचिस्तान से किया गया गिरफ्तार। देश के 187 छोटे बंदरगाहों पर सुरक्षा की खुली पोल, पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट में जिक्र सुरक्षा बढ़ाए जाने की सिफारिश। आज तक से बातचीत में बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, सरकार को पाकिस्तान और हुर्रियत से करनी चाहिए बातचीत, दूसरा कोई विकल्प नहीं। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में सेना का सर्च ऑपरेशन, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद कार्रवाई। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस की गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट मालिक और वेटर को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस वाले को फ्री में खाने से का सामान देने से किया था मना, पिटाई करने वाले दोनों आरोपी सिपाही सस्पेंड। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में बदमाशों ने मोबाइल शोरूम में लड़के को बेरहमी से पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने मोबाइल शोरूम में भी तोड़फोड़ की, पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। दिल्ली के हरिदास नगर में युवक की ईंट और पत्थर के सिल्लियों से पीट पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रनहोला में महिला ने एसएचओ के खिलाफ डीसीपी और सीपी से की लिखित शिकायत, एसएचओ पर लगाया छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप। एक महीने तक पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद दर्ज हुआ केस, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी में महिला कर्मचारी ने निजी कंपनी के निदेशक पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर में व्यापारी से 1,25,000 की लूट, बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल में जुआ खेलते 20 लोग गिरफ्तार, 16,71,000 रुपए बरामद, होटल का मालिक फरार। आज से मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 14 टेस्ट, लगातार 2 टेस्ट में मिली जीत से विराट की सेना के हौसले बुलंद। मैच से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे चोटिल, शमी के खेलने पर आज होगा फैसला। मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में मिली जगह, कर्नाटक के युवा बल्लेबाज मनीष पांडे भी टीम में शामिल। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज किटोन जेनिंग्स आज कर सकते हैं डेब्यू, पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण स्टुअर्ट ब्रॉड के खेलने पर सस्पेंस।
बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मुंबई और चेन्नई टेस्ट के लिए 1,33,00,000 रुपए निकालने की मिली इजाजत। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा की गद्दी की दावेदारी पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 46 साल बाद अजीतानंद ओझा को ठहराया गया सरदार पंडा का सही उत्तराधिकारी। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का जन्मदिन, आज ही के दिन 1935 में हुआ था जन्म। जल्दी बिग बॉस 10 के घर में नजर आ सकती है अभिनेत्री हिना खान, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से हो सकती है तीसरी एंट्री। शाहरुख की नई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, किंग खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्शकों से की बात। 9 दिसंबर को 100 साल के हो जाएंगे हॉलीवुड लेजेंड क्रिक डगलस, 90 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में कर चुके हैं काम। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने डोनाल्ड ट्रंप, ऑनलाइन सर्वे के बाद एक्टर्स ने लिया फैसला। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन सर्वे में सबसे आगे थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पर 18% लोगों ने लगाई थी मुहर। पाकिस्तान में चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा प्लेन क्रैश, पीआई के विमान से सवार थे करीब 40 मुसाफिर। इंजन में खराबी की वजह से एबटाबाद के करीब क्रैश हुआ पीआई का प्लेन, मलबे को ढूंढने की कवायद जारी। नाइट्रो टाइटल को लेकर लाहौर की अदालत ने नवाज शरीफ को दी चेतावनी, जल्द जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश।